पिछले लेक्चर में हमने आपका मेंसुरेशन यानी क्षेत्रामिति शुरू किया था। क्षेत्रामिति, क्षेत्र धन मिति, मिति माने माप, क्षेत्र माने खेत, यानी कि खेतों की नाप। अब वो खेत किसी भी आकार का हो सकता है, तो उसके माप के बारे में हम इसमें अध्ययन कर रहे हैं। तो उस दिन हमने आपको समलंब के आकार का, कोई भी अगर क्षेत्र हो, कोई भी हिस्सा हो, कोई भी टुकड़ा हो, अगर समलंब के आकार का, तो उसका क्षेत्रफल कैसे नापते हैं, इसके बारे में हमने आपको उस दिन बताया था। समलंब चतुर्भुज वो चतुर्भुज होता है जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है और एक जोड़ा समांतर नहीं होता है। ये उस दिन हमने आपको बताया था। और उससे और ये भी बताया था कि समलंब का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है 1/2। समलंब का क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई वर्ग इकाई, ये होता है सूत्र। अब उसी से संबंधित हमने आपको कहा था ना कि सवाल इसमें कि हम बताएंगे आपको, आप लोग परेशान मत होइए, तो इसीलिए हम आपको सवाल बता रहे हैं, प्रश्नावली के सवाल भी हम बता देंगे आपको। तो अब हमने दूसरा एग्जाम्पल लिखा है, 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक समलंब आकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 12 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि एक समांतर भुजा 3 सेंटीमीटर हो तो दूसरे की लंबाई क्या होगी। अब पहले सवाल पढ़ करके जो जो चीज दी हुई है पहले वो लिख लेते हैं। 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, यानी 3 सेंटीमीटर क्या है हमारी ऊंचाई, उसको हम लिख लेते हैं। ऊंचाई बराबर 3 सेंटीमीटर। फिर कह रहे हैं समलंब के आकार का जो क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल 12 वर्ग सेंटीमीटर है। 12 वर्ग सेंटीमीटर है, चूंकि इसकी इकाई वर्ग है तो इसका मतलब है कि ये क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल आपका दिया है 12 वर्ग सेंटीमीटर। यदि एक समांतर भुजा 3 सेंटीमीटर हो, भाई समांतर भुजाओं का एक जोड़ा होता है, तो यहाँ पर एक भुजा दी हुई है समांतर भुजा बराबर है 3 सेंटीमीटर। तो हमें क्या ज्ञात करना है, दूसरी समांतर भुजा जो है वो हमको ज्ञात करनी है। ये ज्ञात करनी है। अब देखिए ऊपर सूत्र लिखा हुआ है, इसी सूत्र में हम मान रखते हैं समलंब का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या दिया है आपका 12, उसकी जगह हमने 12 रख दिया, बराबर 1/2 गुणे ये गुणे समांतर भुजाओं का योग। अब समांतर, दूसरी समांतर भुजा हमको नहीं पता है, 2 समांतर भुजा उनका योग करना है। अब दूसरी नहीं पता है तो हम मान लेते हैं कि ये क्या है आपकी x सेंटीमीटर, ये मान लेते हैं। तो पहली भुजा एक 3 सेंटीमीटर दी हुई है, दूसरी x, तो ये हो जाएगी 3 + x और गुणे ऊंचाई आपका 3 सेंटीमीटर, सॉरी ऊंचाई आपकी 3 सेंटीमीटर दी हुई है। तो इस तरह से 1/2 समांतर भुजाओं का योग, यानी 2 समांतर भुजा, तो एक समांतर भुजा आपकी 3 सेंटीमीटर है, दूसरी नहीं पता है निकालनी है, उसको हमने x मान ली है, दोनों को जोड़ दिया गुणे ऊंचाई। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए 12 बराबर 1/2, ये 3 + x इंटू 3। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इस तरह से करेंगे आपका, तो 2 का गुणा इसमें हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24 बराबर 3 + x गुणे 3। अब 3 का गुणा फिर इसमें कर देंगे हम, तो 24 बराबर 3 × 9 प्लस 3x। अब पक्षांतर चर राशि, एक तरफ अचर राशि 9 को इधर ले आएंगे, तो 24 - 9 बराबर 3x। 24 में से 9 को घटा दीजिए, आपका कितना बचेगा, 24 में से 9 को 4 = 20, 20 में से 5 गया 15 बराबर 3x। तो दिस एम्प्लाई x इज इक्वल टू क्या हो गया,
पंद्रह बटे तीन आपका हो गया 5 सेंटीमीटर, यानी कि जो दूसरी भुजा है वो कितने सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक, इस तरह से ये सवाल हल हुआ। अब आइए एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 18A आपका। ठीक है, पहला सवाल है एक समलंब, किताब आप लोग साथ में ले लीजिए बेटा, सवाल हम लिखेंगे नहीं, आप उसी में से देख लीजिएगा सवाल आप लोग। हाँ, एक समलंब आकार के क्षेत्र की समांतर भुजाएं 3 और 4 सेंटीमीटर है, इनके बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब समलंब के आकार का जो खेत है उसकी समांतर भुजाएं 3 और 4 सेंटीमीटर है, यानी समांतर भुजा दोनों दी हुई है, समांतर भुजाएं आपकी दी हुई हैं 3 और 4 सेंटीमीटर, उनके बीच की दूरी, बीच की दूरी का तात्पर्य लंबवत दूरी, लंबवत दूरी को ही हम ऊंचाई बोलते हैं, ऊंचाई दिया हुआ है आपका 3 सेंटीमीटर, आपको ज्ञात करना है क्षेत्रफल। तो सिंपल सा सूत्र लगा लीजिए, समलंब का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 × समांतर भुजाओं का योग / ऊंचाई। ठीक, अब 1/2 समांतर भुजाओं का योग, यानी 3 + 4 और / ऊंचाई है 3। यहाँ पे वर्ग इकाई हम लिखना भूल गए बेटा, ये वर्ग, वर्ग इकाई का मतलब इकाई क्या है, सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये 1/2 × 4 = 7 × 3, अब 3 का 7 में गुणा कर दीजिए तो 7 × 21/2 cm², 2 से इसको भाग दे दीजिए तो आपका हो जाएगा 10.5 cm², इसका क्षेत्रफल हो गया। इस तरह से ये सवाल आपका निकल आया। दूसरा सवाल आप लोग खुद लगा लीजिएगा, अभी जैसे उदाहरण में बताया है सेम उसी तरह से है। ठीक है, अब आते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल में एक चित्र बना हुआ है जो हम आपको बना करके दिखा दे रहे हैं, चित्र इसका मतलब होता है कि ये 90 डिग्री है बेटा, इतना जान लीजिए। ये 5 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर है और ये है 5 सेंटीमीटर। इसमें देखिए सवाल आप पढ़िएगा, निम्नांकित चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी इज पैरेलल टू सी डी, नाम भी लिख देते हैं ए बी सी और डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी और ए डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ए डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, यानी ये वाली जो भुजा है ये वाली, ये इसके ऊपर लंब है, लंब है इसका मतलब 90 डिग्री का कोण बना रही है। बी सी बराबर डी सी, बी सी बराबर डी सी, यानी कि डी सी भी 5 है ये भी 5 है, बराबर 5 सेंटीमीटर। चतुर्भुज ए बी सी डी से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ए बी सी डी से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ए बी सी डी क्या है, समलंब बना हुआ है, एक जोड़ा आपका समांतर है, ये समांतर नहीं है, तो समांतर और दोनों भुजाएं समांतर दी हुई हैं, ये आपकी ऊंचाई हो गई, ये आपकी ऊंचाई हो गई। अब ये ऊंचाई दी नहीं हुई है, हमने क्या कहा जो लंबवत रेखा होती है, जो लंब होता है वही ऊंचाई होती है। अब समांतर भुजाओं तो दी हुई है लेकिन ऊंचाई नहीं दी हुई है, अब ऊंचाई को हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे उसको ध्यान दीजिए, हम क्या करेंगे, सी से, सी से लंब डालेंगे ए बी पर, सी से लंब डालेंगे ए बी पर, इसको हमने पॉइंट को नाम दे दिया ई। लिखेंगे रचना, पहले हम क्या रचना कर रहे हैं ये लिखेंगे, हम लिखेंगे ये ई है, सी
इज परपेंडिकुलर, सी ई लंब है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर लंब है, ठीक है, ये वाली लंब है, अगर ये लंब है तो ये 90 डिग्री हो गया आपका, ठीक, यहां से डाला है लंब। अब जब हमने इसके ऊपर लंब डाला तो अब देखिए आप जो है लंब डालने पर ये भुजा कितनी हो जाएगी आपकी, ये वाली, यहां से इसके ऊपर लंब पड़ा था और यहां से इसके ऊपर लंब पड़ा था, आपको हमने पिछले कुछ चैप्टर में पढ़ाया था, हाँ, समांतर रेखाओं वाले में, कि किसी एक रेखा पर दो लंबवत रेखाएं समांतर होती हैं, किसी भी एक रेखा पर अगर दो लंबवत रेखाएं खींची हैं तो ये आपस में समांतर होंगी, समांतर होंगी और इनके बीच की दूरी आपस में बराबर भी होगी। तो अगर ये 5 है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक। अब हमें ये निकालना है ऊंचाई, क्षेत्रफल निकालने के लिए समांतर भुजाएं तो दी है, ऊंचाई अभी इसको करने से काम नहीं चला। हाँ, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक ए बी बराबर कितना दिया हुआ है, ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर है, और ए ई बराबर हमने कितना निकाल लिया, ए ई बराबर 5 सेंटीमीटर निकाल लिया, तो ई बी की दूरी क्या हो जाएगी, ई बी यहाँ से यहाँ तक आपका 8 है, यहाँ से यहाँ तक 5 हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, 8 माइनस 5 बराबर 3 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, 3 सेंटीमीटर। अब ये दूरी हमको नहीं पता है, सी ई ये दूरी नहीं पता है, ये दूरी हमको नहीं पता है, तो मान लेते हैं सी ई, माना सी ई बराबर एच सेंटीमीटर, सॉरी ये एच है बेटा, जी नहीं है, एच सी ई बराबर ये वाली दूरी हमने मान ली एच सेंटीमीटर। अब आप देखिए ये त्रिभुज बन गया सी ई बी, त्रिभुज सी ई बी कैसा त्रिभुज है, हमने इस पर लंब डाला था, ये 90 है, ये भी 90 हो जाएगा, तो ये त्रिभुज कैसा त्रिभुज हो गया आपका, एक समकोण त्रिभुज। किसी भी त्रिभुज में अगर एक 90 अंश का कोण है तो वो कैसा त्रिभुज हो जाता है, समकोण त्रिभुज। अब ये समकोण त्रिभुज है तो ये वाली भुजा कर्ण हो गई, ये आधार हो गई, ये क्या हो गई, लंब हो गई। तो हम उस सूत्र से हम इस ऊंचाई को ज्ञात कर लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज सी ई बी में त्रिभुज सी बी कैसा है, एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे लिख देते हैं हम, समकोण त्रिभुज सी ई बी में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है, होता है कि नहीं, हमने आपको पिछले क्लास में बताया था। अब यहाँ पर फिर से आइए, अब ध्यान दीजिए, कर्ण भुजा कौन सी है, जो 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा तिरछी भुजा होती है वो कर्ण होती है, कर्ण ये आपका 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, आधार आपका 3 सेंटीमीटर निकाल दिया हमने, ये एच है लंब हमको नहीं पता, तो अब हम उसी की वैल्यू हर जगह रख देते हैं, तो कर्ण आपका कितना है 5, यानी 5 का वर्ग, लंब हमको नहीं पता वो एच है, वो एच का स्क्वायर, प्लस आधार हमने 3 निकाला है, 3 का स्क्वायर, ये 25 बराबर एच स्क्वायर और 3 * 9, पक्षांतर कर दीजिए, 25 - 9 बराबर एच स्क्वायर, 25 में से 9 गया, 16 बराबर एच स्क्वायर, तो दिस इम्प्लाई एच बराबर कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। ना लंबाई चौड़ाई नाप हमेशा धनात्मक लिया जाता है, ठीक है, उसमें निगेटिव मान नहीं होता है, कोई भी दूरी निगेटिव नहीं होती है, तो h बराबर 4। अब हमारी ऊंचाई निकल आई कि नहीं, अब हम निकाल लेते हैं क्षेत्र का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर वही 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजा आपकी दी हुई थी 8 + 5 और गुणे ऊंचाई, ऊंचाई हमने कितनी निकाल ली,
फोर। अब ये देखिए, दो से कट जाएगा, दो दूनी चार, ये वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए, 8 5 13, 13 में 2 का गुणा कर दीजिए, 26 वर्ग सेंटीमीटर ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका सवाल निकलेगा। आया कि नहीं समझ में आपको? थोड़ा सा दिमाग लगाना था और सवाल आ जाएगा। तो ये था आपका तीसरा सवाल जो हमने आपको बताया। चौथा सवाल सेम उसी तरह से है, और पांचवा सवाल हम आपको बता दे रहे हैं। पांचवा सवाल है, किताब से सवाल पढ़ लीजिएगा, कि एक समलंब आकार के क्षेत्र का क्षेत्रफल 240 वर्ग मीटर है। क्षेत्र का क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल कितना दिया है? 240 वर्ग मीटर दिया हुआ है, और उसकी ऊंचाई 15 मीटर है। ऊंचाई कितनी है? 15 मीटर है। यदि समांतर भुजाओं में से एक दूसरी की 2 गुनी हो, समांतर भुजाओं का जोड़ा होता है आमने सामने का, तो एक जो है वो दूसरे का 2 गुना है। तो हमें नहीं पता दोनों कितने, तो मान लेते हैं, माना पहली समांतर भुजा बराबर x है, तो दूसरी समांतर भुजा कितनी हो जाएगी आपकी? इसकी दूनी यानी 2x मीटर। ठीक, अब आपको दोनों समांतर भुजाओं की लंबाई ज्ञात करनी चाहिए। कोई बात नहीं, तो समलंब का क्षेत्रफल, सीधे सीधे सूत्र लगाइए, समलंब का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। ठीक है, वर्ग इकाई। अब समलंब का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल आपका दिया है 240 वर्ग मीटर, 240 बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा पता नहीं थी, हमने एक को एक्स माना है, दूसरा 2x हो गया, तो एक्स प्लस 2x और गुणे ऊंचाई आपकी 15 दी हुई है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, 240 बराबर 1/2, इसको इसको जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 2x, ये 3x गुणे 15। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए आप, 240 गुणे 2 बराबर, इसका इसमें गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 3x गुणे 15, तो ये 15 तिया 45x। 240 गुणे 2 बराबर, गुणा नहीं करना क्योंकि काटना है, इसलिए 15 तिया 45x, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 240 गुणे 2/45। 5 से काटते हैं, 5 9 45, 5 6 20, 4 5 8 40। ठीक, 3 से 3 3 9, 3 1 3, 3 6 18, 16 2 32, 32/3 आया। अब इसको भाग दे करके हम निकालते हैं, कहीं गलत किया क्या? देखो, 240 बराबर 1/2 एक्स प्लस एक दूसरी की 2 गुनी है, और ये हो गया आपका 15। दो एक्स और ये हो गया 3x गुणे 15, तो 2 का गुणा इधर हो गया, 240 गुणे 2 बराबर 3x गुणे 15।
20 तिया 15 दूनी 30 तिया 45 x, तो x बराबर 240 गुणे 2/45। फाइव नाइन जा 45, 5 9 45, 5 6 20, 4 5 8 40, ठीक है। फिर 3 से काटा, 2 तो पूरा पूरा कट ही नहीं रहा है। तीन से ये कटेगा ही नहीं, 3 2 32 और 3 6 18, 10 10.6, एक्स बराबर यही आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 10.6 मीटर, तो दूसरी इसकी दुगनी हो जाएगी, 21.2 हो जाएगी। ये पहली भुजा थी एक्स, और हाँ तो ये एक्स बराबर बेटा 10.6, क्योंकि पूरा पूरा ये कटेगा नहीं, हम 10.6 लिख लेते हैं। ये आपकी पहली समांतर भुजा थी, ठीक है, ये पहली। और दूसरी जो है आपकी, इसकी 2 गुनी है दूसरी भुजा, तो 2x यानी 2 × 10.6 = 2 6 12 हासिल 1 और 2 1 = 2, 21.2 मीटर। इस तरह से ये दोनों भुजाओं की नाप निकल आए। ये पांचवा सवाल था आपका। तो इस तरह से ये अभ्यास आपका खत्म हो गया है और समलंब का भी खत्म हो गया है। इसके बाद अब सर्किल आएगा, वृत्त आएगा, और उसके बारे में अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे बेटा, ठीक है। समझ में आ गया है सबको, तो बहुत अच्छी बात है।